श्रद्धेय श्री साहेब जी, मूद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, विभिन्न संतों द्वारा सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन पर बहुत कुछ अभी कहा गया है। सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व इतना महान था कि उनके जीवन के चाहे जिस पहलू को आप देखें, हर पहलू अपने आप में पूर्ण है। सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व पर रिझकर डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था, हीरे के 56 पहल, हीरे में 56 पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में पूर्ण होता है, ज्योतित होता है। बस सदगुरु कबीर का जीवन भी ऐसा ही रहा है। जिस कोण से आप देखें, उनके जीवन के जिस व्यवहार को आप देखें, अपने आप में पूरा है। सदगुरु कबीर की विशेषता यह रही है, उन्होंने जो कहा स्वयं करके दिखाया। उन्होंने कहने के लिए नहीं कहा है, जीने के लिए कहा है और जी करके कहा है, अपने जीवन में प्रयोग करके ही कहा। क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, कहा है, और कहा वही जो उनके अपने अनुभव में आया, जिसे उन्होंने जिया। इसीलिए उनकी वाणी अत्यंत आकर्षक, चुंबकीय वाणी के समान। कोई कबीर के विचारों को माने या न माने, कितना ग्रहण करता है नहीं करता वो बात अलग, लेकिन स्वीकार तो हर किसी को करना पड़ता है कि कबीर की बात तो भी क्या कहना है। कबीर ने तो सही सही बात कही, मुलाहिजा नहीं किया, और वही और जो कहा सच कहा। कबीर ने जो जिया अपने लिए नहीं जिया, दुनिया के लिए जिया, और दुनिया में कहना चाहिए जो समाज में दबे कुचले निम्न वर्ग, हजारों साल से जो उपेक्षित वर्ग रहा है, उनकी पीड़ा को साहब ने नजदीक से देखा है, और केवल देखा ही नहीं है, भोगा है, जिया है उस पीड़ा को। कबीर की वाणी हजारों साल से दलित, शोषित और उपेक्षित लोगों की वाणी है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत पुराना देश है ये हमारा, हजारों साल से यहाँ की संस्कृति सभ्यता फलती फूलती रही है,
बड़े बड़े संत विचारक ऋषि मुनि यहां होते रहे हैं। त्यागी तपस्वी ज्ञानी वैराग्यवान संतों की भी कोई कमी नहीं है यहां इस देश में, लेकिन कबीर साहब सबसे विलक्षण जान पड़ते हैं। कबीर साहब आम जनता के बीच से आए, ऐसे जनता के बीच से आने वाले तो बहुत संत हुए हैं, बहुत संत हुए हैं जनता के बीच से आने वाले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई वैसे वैसे वे आम जनता से कटते गए, और उन्हीं लोगों की जमात में जाकर के एक प्रकार से शामिल हो गए जिन्होंने हजारों साल से आम जनता का शोषण किया था, और उनकी बोली वो बोलने लग गए। इसीलिए वे बड़े कहलाने वाले द्वारा पूजे गए। बड़े कहलाने वाले भी कबीर को मानते थे बात नहीं है, लेकिन पूजे नहीं जाते हैं। उन्हें कबीर की वाणी से सबसे अधिक डर है। जो समाज के जो प्रभु वर्ग हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र का प्रभु वर्ग हो, बड़े वर्ग, उनको सबसे ज्यादा डर कबीर से है। चाहे वो मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडा हो, चाहे पादरी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे बड़े कहलाने वाले महामंडलेश्वर हो, चाहे भगवान के भगत हो, चाहे बड़ी जाति कहलाने वाले लोग हों, चाहे वो राजा हो, सामंत हो, आज के जमाने में कहे चाहे मंत्री हो, उन लोगों को कबीर की वाणी से सबसे ज्यादा डर है कि कबीर की वाणी फैली, कबीर की आवाज आम जनता तक गई तो हमारी हजारों साल से की जो सुविधा हम भोग रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सबसे ज्यादा घबराते हैं। कहते तो जरूर हैं कि कबीर तो महान संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन कबीर की वाणी से उन्हें मतलब नहीं होता, बस कह दिए भाई कबीर महान संत हैं, क्योंकि उनके संतत्व को नकार नहीं सकते। उस जमाने की बात को देखो तो कबीर की आवाज को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया गया, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी कबीर की वाणी सिर चढ़ करके बोलती रही। क्यों? क्योंकि कबीर की वाणी आम जनता की वाणी, कबीर की वाणी सत्य की वाणी, और कहना चाहिए कबीर की वाणी इंसानियत की वाणी। सदगुरु कबीर सबसे ज्यादा महत्व देते हैं किसी को तो इंसानियत को, मनुष्यता को। सबसे ऊंची चीज मनुष्यता है। कोई सही अर्थों में मनुष्य बन गया उसे कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीर वाणी, सदगुरु कबीर की वाणी में साहब वो न साधु कहना चाहते हैं न संत कहना चाहते हैं, केवल मनुष्य कहते हैं बस। और ये बात पंचग्रंथी में श्री राम रहत साहब ने जगह जगह इसको कोट किया है। मनुष्य का मतलब जीवन मुक्त संत, कृतार्थ आत्मा, निर्मल आत्मा। देवत्व जिसे कहते हैं, ईश्वरत्व जो कह जिसे कहते हैं, भगवत जिसे कहते हैं, सब मनुष्यता के आगे फीके हैं। यदि सचमुच कोई मनुष्य बन जाए तो मनुष्यता ही संतत्व है, मनुष्यता ही देवत्व है, मनुष्यता ही ईश्वरत्व है, और मनुष्यत्व ही भगवतत्व है। लेकिन हम मनुष्यता को समझते कहाँ हैं? पहले कभी कहा गया था मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, मनुष्य बनो और
दिव्य जन समाज पैदा करो। आज आज ही नहीं, हजारों साल से हम बहुत कुछ बन जाते हैं, हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं, और कुछ बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, अनेक जाति वाले बन जाते हैं, कोई और कैरपंथी बन गए, वैष्णव बन गए, वेदांती बन गए, समाजी बन गए, राधास्वामी बन गए, निरंकारी बन गए, पंजाबी बने, गुजराती बने, बंगाली बने, असमी बने, और सब बने। मनुष्य कहाँ है? कहा जाता है कि ऐसे दोपहर का समय सूरज का प्रकाश, खुला प्रकाश फैला था, एक शहर के चौराहे पर एक संत जलती हुई लालटेन लेकर के कुछ खोज रहे थे। दोपहर का समय, खुला प्रकाश, उसमें वो लालटेन जला कर हाथ में पकड़े थे और कुछ खोज जैसे रहे थे। अनेक लोग आए गए, आश्चर्य हुआ, इस खुले प्रकाश में लालटेन जला करके चौराहे पर खोजना। कुछ लोगों को कुतूहल हुआ, पूछा कि महाराज जी क्या खोज रहे हैं? महाराज ने कहा, बेटा आदमी खोज रहा हूं। कहा, आदमी खोज रहे हैं कि ये आदमी नहीं है बेटा, इसमें आदमी क्या है, किसी पूछो, ए भैया बुला तो कौन हो? तो किसी ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूं, देख रहे बेटा ये ब्राह्मण है, आदमी नहीं है। किसी पूछा, कोई कहा मैं मार्टर हूं, कोई कहा डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, आदमी कहां है? डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री बनना सरल, आदमी बनना बहुत कठिन। और जो सही आदमी बन जाएगा ना, उसके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यवहार होगा जो दूसरों को तकलीफ देने वाला होगा? कभी वो गलत बात बोलेगा, कभी कोई गलत काम करेगा? अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा नेता, अच्छा दुकानदार, अच्छा किसान, अच्छा ये, और अच्छा साधु, अच्छा गुरु, ये सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सही मनुष्य झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा साधु बनना भी पड़ा है, बहुत बड़े 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 बाल बढ़ा लिए, माला पहना, सफेद हो गए, अच्छा साधु बन गए, लेकिन सही जो मनुष्य हो जाएगा वो कहीं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा ही नहीं। और सदगुरु कबीर सबसे पहले उसी इंसानियत की बात कहते हैं। इंसानियत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब मूल रूप में मनुष्य हैं। इस मनुष्यता में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न ऊंचा है, न नीचा है, न पूज्य है, न पूज्य है, लेकिन इसी में किसी को गुरु मान लिए, किसी को चेला मान लिए, बस अब छोटा बड़ा हो गया ना। कोई पिता हो गया, कोई पेट हो गया, कोई कलेक्टर होकर कमरा हो गया, कोई चपरासी हो गया, छोटा बड़ा हो गया। मानने में ठीक है, व्यवहार के लिए कोई गुरु है, कोई चेला है, शिष्य है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई नेता है, कोई कुछ और है, ये व्यवहार के लिए जरूरत है। इसको व्यवहार तक ही सीमित रखें, लेकिन इन सब के बीच में मनुष्यता को आड़े ना आने दें। मनुष्यता के बीच में कुछ आया बस फिर गड़बड़ी फैलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य बनकर के ही पैदा हुए हैं, कोई गुरु बनकर पैदा नहीं हुआ है, कोई नेता बनकर, कलेक्टर, कमिश्नर बनकर पैदा नहीं हुआ है। जितने बच्चे पैदा होते हैं मनुष्य के, सब मनुष्य बनकर के ही पैदा होते हैं।
अभी पैदा होने वाला बच्चा क्या बनेगा आगे चल करके? सज्जन बनेगा कि दुर्जन बनेगा, भक्षक बनेगा कि रक्षक बनेगा, क्या पता है? लेकिन मनुष्य बनकर पैदा हुआ है ना अभी, तो वही मनुष्यता भूल जाती है और कहना चाहिए हम उस मनुष्यता को भूल गए हैं और बीच में अपने को थोपते गए, कुछ मानते गए और मानते मानते इतना मान लिए हमारी मनुष्यता दब गई और हम भटक गए। सदगुरु कबीर कहते फिर मनुष्य बन जाओ, हिंदू बनने के मुसलमान बनने की किसी की जरूरत तो नहीं है। एक सिनेमा का गीत है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। 25-27 साल लगभग 30 साल पहले की बात होगी, बिहार में जगह गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, वर्षा हो गई थी, कार्यक्रम में एक मीटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। गुरुदेव जी अपने आसन पर निवास में बैठे थे, एक सज्जन वहीं मिलने आए थे, कुछ रहा होगा अपने कुछ मानते होंगे, दो तीन लोग ऐसे बैठे थे, एक युवक बैठा था, युवक परिचित का था, कोई बातचीत चल रही थी, तो गुरुदेव जी ने उस युवक से कहा बेटा कोई गीत सुनाओ। तो उस युवक ने इसी को सुनाया, गाया तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इतना ही कहा था। तो सज्जन बैठे ना इतना गुस्सा आया, अरे बेवकूफ क्या कह रहा है, तू हिंदू है, हिंदू बनकर पैदा हुआ, हिंदू होकर मरेगा, इंसानी बात क्या कर रहा है। इतना गुस्सा हुआ बेचारा, नर्वस हो उसे गाने ही नहीं दिया। मतलब आदमी बनकर पैदा नहीं हुआ है, हिंदू बनकर पैदा हुआ है, मुसलमान बनकर पैदा हुआ है, तेली बनकर के, नाई बनकर के, पटेल बनकर के, समार बनकर के, वो बनकर पैदा है, इंसान बनकर कौन पैदा होता है? लेकिन मूल रूप में क्या है हम? इंसान, मनुष्य। वही मनुष्यता कहां पा रही है? मनुष्यता आ जाए तो सब कुछ, सारी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी ना। सदगुरु कबीर उसी मनुष्यता की बात करते हैं। और मनुष्यता के रास्ते में जो भी रोड़े आया उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं पूरी कबीर वाणी के केंद्र में क्या है। पूरी कबीर वाणी के केंद्र में है मनुष्य और मानवीय प्रेम। मनुष्यता और मानवीय प्रेम के रास्ते में जो भी रोड़ा बना सदगुरु कबीर ने किसी को क्षमा नहीं किया। और वह इसीलिए चूंकि वे मानवीय प्रेम की बात कहते हैं और मानवीय प्रेम से उनका पूरा जीवन ओतप्रोत था। केवल प्रेम उनके जीवन के केंद्र में है, इसलिए वो स्वयं जीवन में, उनके पूरे जीवन में प्रेम से वो ओतप्रोत थे। और जब प्रेम जिसके मन में होता है उसके लिए कोई पराया रहता नहीं है, वो डरना भी जानता नहीं, वो डरे ही नहीं, डरने की कोई बात नहीं, किसके लिए डरे, छूटेगा क्या? जब वो ये कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जो अपना घर जला करके ही मैदान में आ गया है उसे डरना की जरूरत क्या है? कबीर पहले अपने घर को फूंक चुके थे,
और लोगों को आवाहन कर रहे थे कि आओ तुम मेरे साथ, लेकिन शर्त यह है कि अपने घर को फूंक करके आए। आओ तो जिस घर को फूंकने की बात साहब कहते हैं, वो घर ये घर नहीं है जिस घर में हम निवास करते हैं। इस घर को फूंकना नहीं है, वह घर है अहंकार का घर, वह घर है इच्छा कामना का घर, जिसके मन में किसी बात के लिए कोई कामना नहीं है और जो अपने को किसी बात को लेकर के बड़ा मानता, जिसे मन में अहंकार ही नहीं है, उसी के मन में तो प्रेम होगा। वही तो सार्वभौम प्रेम की बात कह सकेगा। लेकिन हर आदमी को अपना अहंकार कितना प्यारा होता है और हर आदमी के मन में कितनी कितनी कामनाएं भरी पड़ी हुई है। ये कामना और अहंकार मनुष्य को बांटने का काम करते हैं। कामना नहीं, अहंकार नहीं है तो मनुष्य मनुष्य से जुड़ना बहुत सरल हो जाए, बहुत सरल, फिर जोड़ने का आवश्यकता नहीं, अपने आप जुड़ जाएंगे। और जितना अहंकार बढ़ता जाएगा, जितनी कामना बढ़ती जाएगी, जितने हम अपने कुछ मानते जाएंगे, फिर तोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोग दूसरे से टूटते चले जाएंगे। कहीं भी देख लो, एक छोटा सा परिवार है, परिवार में चार छह लोग हैं, लोगों के मन में कामना बढ़ती जाएगी, अहंकार बढ़ता जाएगा, उस परिवार को बिखरने में समय नहीं लगेगा। सोचेगा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं क्यों झुकूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं, सब सबके मन में कामना। और यदि सब अपने सब के सब विनम्र बन जाए और अपनी कामना को त्याग करके सभी लोग सामने वाला का ध्यान रखें, अपने स्वार्थ पर ध्यान ना रखें, सामने वाले पर ध्यान रखें, जोड़ना पड़ेगा क्या, अपने आप जुड़ा रहेगा। धर्म के नाम पर भी या किसी और के नाम पर भी जो भी लड़ाई है, ये अहंकार और कामना की ही लड़ाई है। धर्म के नाम पर जितने पाखंड फैले हुए हैं, जितने अंधविश्वास फैले हैं, चमत्कार फैले हैं, मिथ्या जाल फैला है, उसके पीछे भी केवल अहंकार और कामना ही मुख्य कारण है। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, एक ही पंथ में हो, एक ही घर में दो भाई हैं और दोनों भाई कहे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, परिणाम क्या होगा। एक ही पंथ में है, मैं बड़ा, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा आचार्य, परिणाम क्या होगा। गुरुदेव जी बताया करते हैं, अयोध्या की घटना ही है। अयोध्या में तो सबसे अधिक मंदिर ज्यादा राम के हैं। एक राम का मंदिर था, वहां पुजारी रहते थे, सुबह शाम पूजा करते थे, लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ता था। कुछ दिन पश्चात थोड़ी देर पर बगल में ही एक और मंदिर बन गया राम जी का। वो जो नया मंदिर बना उसकी मूर्ति बड़ी सुंदर, सजावट बड़ी सुंदर। तो धीरे 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 वहां भीड़ ज्यादा होने लगी और पुराने मंदिर में भीड़ कम होने लगी। अब भीड़ ज्यादा होगी तो चढ़ावा ज्यादा आएगा, प्रसिद्धि ज्यादा होगी। अब भीड़ कम हुई तो चढ़ावा कम आने लगा। अब इस बात को देख करके पहले मंदिर, जो पुराना मंदिर था, उसके पुजारी को बड़ी जलन होने लगी, बहुत बुरा लगने लगा। मेरा मंदिर पुराना, मेरा भगवान पुराना, ध्यान रखना भगवान भी नया पुराना होता है भाई। अब होता नहीं है, नहीं, लोगों ने बना लिया है। मेरा मंदिर पुराना, मेरा भगवान पुराना, अब मेरे यहां लोग आते थे, अब वो लोग वहां पर ज्यादा जाने लग गए हैं,
बड़ी जलन हुई, बड़ा मन में गुस्सा भी आने लगा, अब करें क्या। तो कुछ दिन तो सहन किए, लेकिन बताते हैं कुछ जब फिर ऐसा षड्यंत्र किए, कुछ मंदिर में कुछ ऐसा रसायन छोड़ दिए नया मंदिर में, उसकी मंदिर टूट कर चूर चूर होकर खत्म हो गया। एक पंथ की बात है, दोनों राम के पुजारी, दोनों जगह राम की राम की मूर्ति, दोनों जगह राम का भजन, लेकिन कारण क्या? अहंकार और कामना। ये अहंकार और कामना ही चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे त्याग वैराग का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, अहंकार और कामना जहां है वहां प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां मनुष्यता नहीं रहेगी। प्रेम को समझना है, मानवीय प्रेम को समझना है, और अपना कल्याण का काम करते हुए दूसरों को भी सुख सुविधा पर ध्यान देना है, तो अहंकार का विसर्जन करना होगा। इसीलिए साहब ने भी कहा है, साहब लोग किसी ने कहा होगा, साहब मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके मिशन में सहयोगी बनना चाहता हूं, साथ देना चाहता हूं। तो कबीर साहब ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात, मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे साथ चले, लेकिन शर्त क्या रखते हैं? जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, पहले अपने घर को फूंक करके आओ। चलो घर फूंक भी दिया तो दूसरी शर्त साहब क्या रखते हैं? और कठिन शर्त साहब कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूई धरे तब बैठो घर माए। पहले सिर काट कर रख दो तब मेरे घर में आओ। अब इतनी शर्त, इतनी कठोर शर्त साहब कहे तो अकेले तो कौन आएगा साथ में? घर भी बड़ा प्यारा और सिर भी बड़ा प्यारा। घर क्या है? स्वार्थ घर है, और सिर क्या है? अहंकार घर है। अब इतने कठिन शर्त के साथ कबीर साहब साथ चलेगा कौन? वही चल सकता है जो उनके जैसा सब तरह से निर्मोही अनासक्त हो, सब कुछ अपने हाथों फूंक दिया हो, कोई कामना और अहंकार ना, और इसीलिए साहब जब सिर काटकर पहले रख दिए, घर पहले फूंक दिए, कुछ था ही नहीं, डर किस बात का? लोग कहते हैं कि कबीर ने इतनी खरी बात कही, बड़े किसी को डरना उन्होंने जाना नहीं है, कैसा अद्भुत रहा ही है, उसे कोई डर ही नहीं था, तो डर किसका? डर कुछ छूटने का होता है और मौत का होता है। कबीर के साथ जब अपना घर फूंक ही दिए हैं तो छूटेगा क्या? जब छूटेगा ही नहीं तो डरने की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, मौत का डर, तो साहब तो मौत को अपनी हथेली में लेकर चल रहे। साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो तो मने तैयार है। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर साहब ऐसे हैं, कबीर जैसे संत जब जीते हैं तो मौत को जेब में रख करके जीते हैं, और जब मरते हैं तो जिंदगी कदम चूमती है। और सचमुच में ही बात ऐसा कौन कर सकता है जिसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर। और कबीर चूंकि अहंकार नहीं, कामना नहीं, तो जीवन में कहीं दाग लगने की आवश्यकता नहीं है, दाग लग नौबत ही नहीं आएगी। अहंकार और कामना है तो दाग पर दाग लगते चले जाएंगे, और हमारे जीवन में जब दाग, हमारी चादर में जब दाग है, तो हम दूसरे को
साहस का से नहीं कह सकते कि तुम अपने दाग धो लो, तो कहेगा अरे बाबा मेरा दाग मत देख, अपने दाग दे, तुम्हारे चादर में दाग ही दाग है। और कबीर की चादर बिल्कुल निदा, कोई दाग नहीं। इसलिए उन्होंने कहा सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया। ऐसा कहने वाला संत, सबको चुनौती देने वाले, ऐसी चुनौती देने वाला संत दुनिया के इतिहास में अब तक कोई नहीं हुआ है कबीर को छोड़ करके। निष्कलुष जीवन, निदाग जीवन, तभी वो इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। कबीर साहब की ये जो पंक्ति है सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरनी चदरिया। साहब कहते अरे कबीर को तो अहंकार की पूर्वक बात करते हैं, कबीर की गर्वोक्ति दर्पोक्ति है, ये अहंकार पूर्वक बात कहते हैं। कबीर में अहंकार बिल्कुल ही नहीं, जब सिर काट करके रख दिया तो अहंकार की बात कहां आएगी। जिन्होंने सिर को अपने काट कर पहले ही रख दिया वो अहंकार कहां है। ये कबीर की गर्वोक्ति नहीं है, एक सहजोक्ति है, साधिकार कथन है ये। और इसीलिए इस पंक्ति को कोई चुनौती भी नहीं दे सका आज तक। और कबीर जो कहते हैं प्रमाण पूर्वक कहते हैं, बिना प्रमाण के कोई साहब कुछ बात कहते नहीं है। कहीं कहीं लोगों को लगता है, जैसे साहब ने ऐसा कहा है कई जगह, ऐसा लगता है कि मानो ये कबीर की गर्वोक्ति है। साधु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार, सब ऐसे कहते हैं अजहू ले छोड़ा आए काल सो दो कर सूरत संहारी। ये ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जो लगता है कि ये कबीर की गर्वोक्ति, लेकिन गर्वोक्ति नहीं है। कबीर जैसे संत जिस ऊंचाई में पहुंचे हुए हैं उनकी जबान से ये बात सहज ढंग से निकलते, हम नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि हमारे जीवन में भी वो स्थिति आई ही नहीं है। तो सदगुरु कबीर पर पहली बात यह है वे इंसानियत की बात कहते हैं, फिर इंसानी प्रेम की बात करते हैं। इंसान और इंसानी प्रेम से बढ़ करके पवित्र और दुनिया में क्या हो सकता है। अब इंसान है, इंसान है, इंसानियत है, इंसानी प्रेम है, तो सत्य अपने आप आएगा, निष्पक्षता अपने आप आएगी, उदारता अपने आप आएगी, दया करना सब कुछ अपने आप आएगा, जितने सदगुण सब कुछ अपने आ जाएगा। इंसानियत आखिर है क्या? इंसानियत में जितने सद्गुण है ना वो कोई बचेगा नहीं, चाहे उसको दैवी संपदा कहो चाहे कुछ भी कहो, सब के सब उसमें समाहित हो जाते हैं। अब यहां पर किसी को छोटा करने की, किसी को बड़ा कहने की, किसी को ठगने की, किसी के साथ छल कपड़ करने की गुंजाइशी कहां रह जाती है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कबीर साहब ने जो कहा जी करके कहा था, अनुभव करके कहा था, उन्होंने कहने के लिए नहीं कहा, कहने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, जी करके कहा और दुनिया की हकीकत से रूबरू हो करके कहा। वो उनकी एक साखी है कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोगे। जागने वाला आदमी केवल रोएगा, सोने पर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सो जाते हैं कुछ पता चलता है क्या? अपना शरीर ही भूल गया होता है उस समय, तो घर द्वार की बातें छोड़ दो। जागने पर दुनिया की हकीकत हमारे सामने आती है और दुनिया की हकीकत को देखने वाला आदमी केवल रोएगा, उसके जीवन में हंसने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कबीर का रोना
अपने लिए नहीं है। कबीर का रोना उस समाज के सबसे नीचे में दबे कुचले हुए जो लोग हैं, अनंत अनंत असंख्य जो लोग हैं, उनके लिए है। इसलिए वे कहते हैं कबीर साहब, मैं रोऊं यह जगत को मुँह को रोवे न कोई, मैं तो इस दुनिया के लिए रो रहा हूं। कबीर जैसे संत महापुरुष उन्हें अपने लिए रोते ही नहीं है, पूरी दुनिया का दर्द उनका अपना दर्द हो जाता है, पूरी दुनिया का दुख उनका अपना दुख बन जाता है। और ऐसे जो रोने वाला केवल जागेगा। कबीर साहब से जो बड़े कहलाने वाले लोग हैं, जो पंडे पुजारी मुल्ला मौलवी या ऐसे लोग, नाखुश क्यों हैं? इसलिए नाखुश होते हैं कबीर के रोने से उनकी नींद टूट जाती है। कबीर के रोने से और जो लोग सोए हुए हैं वे लोग जग जाते हैं। ये कबीर का जो जागना है वो जागना नहीं है, जागना है पूरे तत्व को समझने, जागना पूरे दुनिया के कल्याण के लिए जागना है ये। और जागने वाला जो कुछ कहेगा जी करके कहेगा, या जो कहता है अपने जीना। कबीर साहब वाग्वीर नहीं थे, वाणी के धनी नहीं थे, कर्म के धनी थे, आचरण के धनी थे। उन्होंने जो कहा अपने पर अनुभव करके कहा, और अंतिम में क्या हुआ, जिंदगी भर सारे धार्मिक पाखंड अंधविश्वास चमत्कार जो कुछ करते सब खंडन करते रहे, और अंतिम में उन्होंने अपने को ही तौल दिया। जिस काशी में मरने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं कि काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कबीर साहब ने कहा यदि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है तो जीवन भर की साधना का परिणाम क्या होगा? फिर जो काशी तुम तजे कबीरा तो राम ही कहो कौन नहीं हो रहा। यदि काशी में शरीर छोड़ना है तो राम भक्ति का मूल्य क्या होता है? अंत में उन्होंने ही अपने को प्रयोग करके दिखला दिया, मैं जा रहा हूं मगहर, जहां कहा जाता है कि मरने पर लोग गधा होते, मैं देखता हूं किसकी ताकत है मुझे गधा बनाने की। सब कुछ चुनौती दे दिया और कहा क्या काशी क्या मगहर उतर जो पे हृदय राम बसे मोरा। यदि मेरे हृदय में राम बस रहा है तो फिर क्या काशी और क्या मगहर और क्या उतर जमीन क्या घूर सब बराबर। यही उनकी जो कविता की विशेषता है, अटूट आत्मविश्वास, आत्मलीनता, अपने कर्म पर, अपने धर्म पर, अपनी भक्ति पर, अपनी साधना पर, अपने अध्यात्म पर, अपने मानवीय पे पर अटूट आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास पर उन्होंने सबको तौल दिया और सबको तौलते सबसे ऊपर उठ करके चले गए। कबीर साहब इसीलिए पूजनीय है। हम कबीर साहब का केवल गुणगान गाते हैं लेकिन कबीर की वाणी को समझने का प्रयास भी नहीं करते और जीने का भी हम प्रयास समझने का प्रयास नहीं करते तो जीने का प्रयास तो दूर की बात है। हम केवल कबीर के का गा रहे हैं और कबीर के नाम पर गा करके जी रहे हैं बस, वो भी जीना केवल जीवन निर्वाह के लिए जीना है। कबीर को जो जिएगा सचमुच में निर्भय हो जाएगा और कबीर को जो समझ जाएगा वह किसी बात को लेकर के, जाति को, वर्ण को, वर्ग को, मत को, मजहब को, संप्रदाय को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा, निष्पक्ष हो जाएगा। और निष्पक्ष होना ही कबीर को समझना है, क्योंकि कबीर साहब सब तरह से निष्पक्ष और तटस्थ, और निष्पक्ष और तटस्थ रहे तभी इतनी बात साधिकार बात धारदार बात वे कह सके और तभी वो बड़े बड़े लोगों को चुनौती दे सके। आवश्यकता है सब तरह से निष्पक्ष होने की, तटस्थ होने की, और जितना हम समझते हैं उतने को जीवन में उतारने की। यदि कबीर साहब के एक बात को भी हम जीवन में उतार सकें तो यही कबीर साहब जयंती मनाने का फल होगा
और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। कबीर साहब की सदगुरु कबीर की चरणों में भावी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यही पर अब मैं विराम देता हूँ। गुरुदेव सद्गुरु मुक्तिदाता ते धूप दीपल वो जिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महादीजिए कर जोर करूं मैं स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहे दीन जीवन बाल हो आप पारख रूप साहे जानते सब माह के मैं अधम करमी जीव सदगु नाही हा कछुलाए की गुरु करत हमें विनती प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की अधम उधारन भवहारन जीवन करत शनाथ की ते स्वामी अजीत साहे कही सके दया क्षमादि होये न में आप को सो लही सके मो में सदगुण नाही साहेब कैसे आपको बार बार मैं करत हूँ विनती शरण लीजे दास को शरण शरण मैं शरण हाँ कहत बने कछुना जानते हो सब के ही सर्वोपरि गुरु माँ करुणा निधि है स्वागत में मंगल करन शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए यहु राग द्वेष विग्रह हयुत परवाह में बहते हुए निज नाम जहाज बैठाय के भव पा पार लगाइए करुणा निधि है स्वागत मंगल करन शुभ आइए भूले हुए निज दास
है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सब का बता कर सार असार विशुद्ध बोध राई करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए कामादि खल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान यसी पर दान करीते मार सार मिलाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारिए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी तुम्हारे दर्श से संकट कट तू है तुम्हारे दर्श से संकट कट तू है धर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे धर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति ज्योति जहाँ जाग साहे बयारती हो आरती गरीब निवाज साहेब
हो आरती करूं सदगुरु साहेब की, आरती करूं सदगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब रहती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण टूटी गया हूँ यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हूँ परम पर काश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब आरती। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुरनिष्ठा परं तपः, गुरुर परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरुर परम। बंदाओ सन मुख पारखी शीश भेंट धरिहा, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमयी माताओं की।